मैं रसी शराब बिक्री के चलते मैखानों में बेरकाम भी। घंटों इंतजार के बाद मिल पा रही शराब, शराब प्रेमियों का सरकार पर फूट रहा गुस्सा। कोरोना महामारी के संकट काल के बीच मैखानों में मदिरा प्रेमियों ने सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर छेड़ दिए हैं। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के शिवपुरी जिले की, जहां शराब प्रेमियों का मैखानों में जमकर जमघट लग रहा है। घंटों इंतजार के बाद बमुश्किल शराब प्रेमियों को मैं रसीद शराब मिल पा रही है। इंतजार और बेसब्री के बीच शराब प्रेमियों का गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने 1 सितम्बर से प्रदेश भर की सभी शराब दुकानों पर भुगतान यानी कि रसीद बिल के साथ शराब विक्रय करने का आदेश जारी किया है। आबकारी अधिनियम में संशोधन करते हुए प्रदेश सरकार ने बिना बिल के शराब विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी आदेश के बाद शराब दुकानों में बिल के साथ शराब विक्रय करने में समय पहले की अपेक्षा ज्यादा लग रहा है। इस वजह से शराब दुकानों में जमकर भीड़ हो रही है। हालात ये बन रहे हैं कि कई जगह पर तो जाम की स्थिति निर्मित होने लगी है। शराब प्रेमियों को मैं रसीद शराब खरीदने के लिए 3 से 4 घंटे तक शराब दुकानों में इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसी तस्वीरें देखने को मिली प्रदेश के शिवपुरी जिले में, जहां बिल के साथ शराब खरीदने पर हो रही लेट लतीफी और लंबे इंतजार का गुस्सा शराब प्रेमियों ने सरकार पर फोड़ा है। आपको बता दें कि प्रदेश समेत देश भर में कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैखानों में शराब खरीदने के लिए बेलगाम भीड़ जुट रही है और संक्रमण को दावत देती नजर आ रही है। ऐसे में शासन प्रशासन को इस तरह से बरती जा रही लापरवाही पर लगाम कसने और संक्रमण की आमद को थामने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। ये तो कौवा लेने में फालतू का जो बिलिंग मिलने का चक्कर ये घंटे से लाइन में लगा है। ये लोग बता रहे लाइन में लग जाओ लाइन लग तो कोरोना का भी खतरा लगता है। कोरोना का खतरा ही नहीं है, कोई मास्क लगा के नहीं आता तो वो भी समस्या है। मास्क लगवा पहले बिना बिल के मिलती थी तो पहले ऐसी समस्या नहीं आती थी, जल्दी मिल जाता था। अब तो ये समस्या आने लगी है तो बिल मिल गए रखता है, वो बिल बनाते हैं वो कहते हैं कार्बन नहीं है, तो बिल बना रहे हैं, जो बना रहे हैं समस्या आ रहा है, उनको भी समस्या हमको भी समस्या। बता रही भैया आठ नौ घंटा से बढ़ाऊँगा, अभी ले नहीं पा रहे और बाकी लाइन में लगाना खड़े कर देते हैं। बिल की कोई समस्या आ रही है? वो समस्या आ रही है, बाकी वो ग्राहकों को टाइम नहीं दे पाते हो तो बाकी समय के हिसाब से हम सामने वाले के लिए लेने आते हैं। कौन के लिए लेने आए? सीट जी के लिए लेने आते हैं। अच्छा, बाकी वो बोलते हैं बोतल लेके आओ, बाकी वो यहाँ पे टाइम हो जाता है। घंटे से खड़े हैं, दारू नहीं दे रहे हैं बिल के चक्कर में। हम मजदूर आदमी मजदूर करके आते हैं, दो दो घंटे तक कहाँ से खड़े रहे। भीड़ के वजह से बिल देते हैं और काफी देर तक हम लोगों को लाइन में लगा रहना पड़ता है, जो कि अच्छा नहीं है, क्योंकि इस जगह पे अगर लाइन में इतनी देर खड़े रहेंगे तो दारू कब पियेंगे, कब डर जाएंगे। इतनी कितनी देर तक खड़े रहना पड़ता है सर, बिल वाली प्रक्रिया कोई सर नहीं है, क्योंकि जो चीज़ जितने में मिल रही वो तो लेके जाते ही है, बिल दे देते हैं। कुछ लोगों को पर कुछ लोग देखते हैं बिल को, कुछ नहीं भी देखते हैं, बिल तो सबको मिलता है तो सर इधर एक बिल के चक्कर में इतनी देर खड़े रहते हैं कोई मतलब नहीं बनता सर। कहते नहीं है आते हैं घंटा हो गया सर। क्यों एक घंटा क्यों हो गया? लाइन में लगे सर बिल के चक्कर में। तो बिल से परेशानी है? जी सर। क्या परेशानी आ रही सर? बिल के लिए 2 घंटे खड़े हैं, दे नहीं रहे दारू के, बिल के खराब नहीं मिल पा रहा। क्या चाहते हो? सरकार ने नियम बनाया है 1 सितंबर से बिल देना, जबकि अपने आबकारी की जो पॉलिसी बनती है उसमें नहीं था कि बिल देना पड़ेगा। अब हम शासन के निर्देशानुसार बिल दे रहे हैं, अब बिल बराबर कट रहे हैं सारी दुकानों से, तो कुछ समय लगता है, भीड़ लग जाती है और भीड़ लगने के कारण व्यवस्था फेल हो जाती है। आदमी पर्ची लिखता है, नाम लिखता है, फिर अपने ब्रांड लिखता है, फिर पैसे काटता है, फिर उसको ब्रांड देता है, तो इस वजह से लाइन लग जाती है। और रोड के किनारे कहीं पे माहौल ख़राब हो जाता है, गाड़ियाँ ज़्यादा लग जाती हैं, जाम लग जाता है, फिर लोग भीड़ पुलिस को फ़ोन करते हैं, आबकारी को फ़ोन करते हैं, कोई दिक्कत होती है तो यहाँ भीड़ लग रही है, माल नहीं मिल पा रहा, ये तकलीफ़ हो रही है। जी शासन के निर्देशानुसार सभी लोगों को शराब का बिल दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका हम सख्ती से पालन कराने का प्रयास कर रहे हैं।
और अव्यवस्था की स्थिति ये है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो कभी कभार होती है अव्यवस्था, लेकिन हम लोग स्वयं मौजूद रहते हैं। मैं सघन गश्त करता हूँ रात में, जिससे कि अव्यवस्था की स्थिति ना बने, लेकिन बिल सभी को कंपलसरी दिया जाएगा, ऐसा शासन का निर्देश है, इसका पालन करा रहे हैं। लेकिन लोग बाग तो सर इसके खिलाफ है, बिल के खिलाफ, कि हमको दो दो घंटे जहाँ हो जाते हैं बिल के लिए। जी, अब ये जनसेवकों का काम है, हम लोग तो शासन के नियम का पालन करा सकते हैं।